नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दारू के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व तीन मासूम बच्चों पर फावड़े से किया जानलेवा हमला। पत्नी और उसके बड़े बेटे की हालत गंभीर। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके आरोपी को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। गोरक्षनगरी से संगम नगरी प्रयागराज पहुंचना होगा और आसान। 80 किलोमीटर कम हो जाएगी गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी। घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी का नया विकल्प। 500 गांवों की 20 लाख आबादी को होगा फायदा। ईंधन व समय की होगी बचत। जगह थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गहिरा के एक वायरल हुए वीडियो में पीड़ित पक्ष ने लगाया आरोप कि मामला जगह थाने का होने के बावजूद किसी भोला प्रसाद नामक व्यक्ति को जमीन कब्जा करा रही थी चौरी चौरा पुलिस। एसपी नॉर्थ ने कहा जगह व चौरी चौरा थाने के पुलिस ने की आवश्यक विधिक कार्रवाई। अनियमितता पाए जाने पर सीओ चौरी चौरा से जाँच करा कर की जाएगी उचित कार्यवाही। जनजातियों को संगठन से जोड़ने का मंत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुरुवार को होंगे शामिल। बुढ़िया माई मंदिर स्थित पोखरे पर नाव चलाने वाले नाविक को एसएसबी के जवानों से किराया मांगना पड़ा महंगा। पहले एसएसबी के जवानों ने जमकर पीटा नाविक को। खोराबार थाने में ले जाकर नाविक के खिलाफ दी तहरीर। तहरीर मिलने पर खोराबार के थानेदार ने भी जमकर नाविक की पिटाई। फोटो हुआ वायरल। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा नाविक की पिटाई करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। संगठन को मजबूत करने के लिए सपा चला रही है सदस्यता अभियान। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा 2024 में दिल्ली के सत्ता से बेदखल होगी भाजपा सरकार। और जब पड़ोसी ने मांग लिए बर्तन तो जमीन पर रखकर खाया खाना। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में 5 दिनी प्रदर्शनी हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। खोराबार थाना क्षेत्र के चौरी गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व तीन बच्चों पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। इससे पत्नी व उसके बड़े बेटे की हालत गंभीर है। अन्य दो बच्चे खतरे से बाहर हैं। चारों घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं पिता के इस हरकत से बच्चे इस कदर डरे हुए हैं कि नाम लेते ही सहम जा रहे हैं। चवरी के टोला उर्फ रामगढ़ निवासी 35 वर्षीय नगीना निषाद पुत्र रामहित निषाद बेंगलुरु रहकर पेंट पॉलिश का काम करता है। वह 4 दिन पूर्व शनिवार को बेंगलुरु से लौटा था। आने के बाद से ही उसका किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद चल रहा था। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे वह घर लौटा। इस दौरान उसकी पत्नी 30 वर्षीय शांति देवी, 11 वर्षीय बेटा समीर, 9 वर्षीय बेटी अंजलि, 6 वर्षीय छोटा बेटा शिवा सोए हुए थे। उसने फावड़े से तीनों पर हमला कर दिया। इससे चारों घायल हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी जुटने लगे। इस दौरान मौका देकर नगीना निषाद वहां से भाग निकला। पुलिस को घटना की सूचना बुधवार की सुबह मिली। उसने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहां से चारों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में मां शांति देवी व बेटा समीर की स्थिति गंभीर देख उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि नगीना प्रसाद पिछले कई दिनों से शराब पीकर अपने स्वजन को परेशान कर रहा था। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे उसने अपनी पत्नी व तीन बच्चों पर फावड़े से हमला किया है। उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा के खोराबार थाना अंतर्गत जंगल चौंगी गांव में प्रातः खोराबार पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नगीना निषाद द्वारा अपने ही पत्नी एवं उसके तीन बच्चों पर फावड़े से हमला कर दिया गया है। इस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया एवं जिस व्यक्ति द्वारा हमला किया गया उसको हिरासत में ले लिया गया है। 307 हत्या के प्रयास के उसमें
अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया यह मामला सामने आया है कि पिछले 5-6 दिन से यह व्यक्ति शराब का आदी है एवं इन बच्चों और अपनी पत्नी को परेशान किया गया। ढांचागत सुविधाओं के सतत हो रहे विकास के क्रम में योगी सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश को इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात देने जा रही है। यह सौगात है गोरखपुर अम्बेडकर नगर जिले के मध्य स्थित घाघरा नदी पर कमरिया घाट सेतु पुल के रूप में। गुरुवार दोपहर बाद करीब 1.5 किलोमीटर की लंबाई में बने इस पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कमरिया घाट पर पुल बन जाने से जहां अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों के लिए शानदार कनेक्टिविटी का नया विकल्प मिल गया है, वहीं इससे गोरक्ष नगरी और संगम नगरी प्रयागराज के बीच की दूरी करीब 80 किलोमीटर कम हो गई है। कमरिया घाट के एक तरफ गोरखपुर और दूसरी तरफ अम्बेडकर नगर जनपद स्थित है। इस घाट पर पुल का निर्माण क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है। कारण पुल के अभाव में इन दोनों जिलों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर बढ़ जाती थी। योगी सरकार ने लोगों के लिए कभी सपने सरीखे रहे इस सेतु को हकीकत में बदला है। कमरिया घाट पर लंबे पुल का निर्माण होने से करीब 500 गांवों की 20 लाख आबादी को फायदा पहुंचा है। इस पुल से होकर आने जाने में कई स्थानों के लिए दूरी कम हो गई है। इससे लोगों के समय व ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण भी कम होगा। सबसे बड़ी सहूलियत आस्था की नगरी प्रयागराज जाने वाले लोगों को होगी। कमरिया घाट पुल से होकर जाने में गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी अब सिर्फ 200 किलोमीटर होगी। अभी तक लोगों को 280 से 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी। घाघरा नदी के कमरिया घाट, सिकरीगंज, बेलघाट, लोहरिया, शंकरपुर, बाघर पर पुल का निर्माण 193,97,20,000 रुपए की लागत से हुआ है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने 1,412.31 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण जून 2022 में पूर्ण करा दिया है। जघा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गहिरा का एक वायरल वीडियो में एक जमीन को चौरी चौरा थाने की पुलिस किसी भोला प्रसाद नामक व्यक्ति को कब्जा करा रही थी। पीड़ित पक्ष के द्वारा किए गए वायरल वीडियो में विरोध करना दिखाया जा रहा है तथा वीडियो बनाने पर चौरी चौरा पुलिस के ऊपर सोशल मीडिया के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पीड़ितों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीड़ित पक्ष कह रहा है कि मामला जघा थाने का है, हमें जगह थाने ले चलिए, लेकिन चौरी चौरा पुलिस जबरन गाड़ी में बिठाकर चौरी चौरा थाने पर ले जाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में है। मंदिर चौरी चौरा थाने के अंतर्गत आता है और जहां बकरी काटने के लिए भोला को विपक्षी ले जा रहे थे वह जमीन जगह थाने के अंतर्गत था, इसलिए विवाद हुआ। दोनों थानों की पुलिस वहां पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई की। यह पूछे जाने पर कि वायरल वीडियो में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, इस आरोप का जवाब देते हुए एसपी नॉर्थ ने कहा कि मामले में अगर कोई अनियमितता होती है तो सीओ चौरी चौरा प्रशाली गंगवार से जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, जंगाले चलिए साहब, जंगाले चलिए साहब, गाड़ी नहीं बंद करेंगे, जंगाले चलिए साहब, जंगाले चलिए साहब, देखिए सर मनमानी लोग कार्य कर रहे हैं, जंगाले चलिए साहब, जंगाले चलिए। सर चौरी चौरा का प्रशासन है, सर चौरी चौरा का प्रशासन है, जबरदस्ती आप यहाँ कब्जा करवा रही है, जंगाले चलिए साहब, सर चौरी चौरा का प्रशासन है, सर जबरदस्ती कब्जा करवा रही है, मेरा मालिक द्वारा चौरी चौरा का प्रशासन कब्जा करवा रही है, सर आइए आइए सर, चौरी चौरा का मामला नहीं है, जगह का मामला है, जगह का मामला है, छोड़िए मोबाइल, छोड़िए मोबाइल, छोड़िए नहीं छोड़ेंगे, नहीं मोबाइल नहीं छोड़ेंगे सर, सर चौरी चौरा का मामला नहीं है, जगह का मामला है, प्रशासन द्वारा जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है, हाँ प्रशासन द्वारा जी सर, हमारा वीडियो है सर, जी सर जंगा का मामला है, जंगा का मामला है, चौरी चौरा पुलिस द्वारा जबरन कब्जा करवाया जा रहा है, जी सर हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस सर साहब हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ बनाइए सर, बनाइए साहब, बनाइए, हमन के जाए हैं,
जंगहा का मामला है, चोरी चोरा भूमाफिया द्वारा पुलिस द्वारा कब्जा करवाया जा रहा है। एसएसपी साहब को लेकर फोन लगा रहा हूं, बताइए एसएसपी साहब को लेकर फोन लगा रहा हूं, लगे तो एसएसपी साहब का नंबर होइए को, एसएसपी साहब का नंबर होइए को, एसएसपी साहब का नंबर हो। ये महिला है हाँ सर, जबरदस्ती हम लोग बच्चों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं सर, उनको फंसाया जा रहा है सर। महिलाएं अपना कब्जा किए हैं, आई जबरदस्ती पर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को प्रशासन द्वारा चौरी चौरा थाने द्वारा पीड़ित किया जा रहा है बच्चों को। जी सर, हाँ सर, आप प्रशासन चौरी चौरा द्वारा बच्चों को पढ़ने लिखने वाला धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुमको फर्जी मुकदमे में फंसा कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जी सर, सर इतने लोग यहाँ पे गवाह है सर, देखिए। जी सर देखिए, ये प्रकरण संज्ञान में है क्योंकि मंदिर चोरी चौरा थाना के अंतर्गत आता है और इसके पास जो जहाँ पे बकरी काटने के लिए भोला के विपक्षी ले जा रहे थे वो जंगहा थाने में था, इसलिए विवाद हुआ। दोनों थानों की पुलिस वहां पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। इसमें पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के बारे में जो वायरल वीडियो है उसमें आरोप लगाया जा रहा है, इसमें सर क्या कहना है? इसमें अगर कोई अनियमितता होती है तो उसी ओर से जांच करा ली जाएगी। यूपी की सभी 80 संसदीय सीटों पर क्लीन स्वीप की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी मोर्चों को धारदार बनाने में जुटी हुई है। इसी ध्येय से मंगलवार से गोरखपुर के संस्कृति पब्लिक स्कूल रानीडीहा में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। 3 दिवसीय इस शिविर के अंतिम दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस दौरान अपने मार्गदर्शक उद्बोधन में वह सभी जनजातियों को संगठन के पक्ष में लामबंद करने का मंत्र मोर्चा पदाधिकारियों को देंगे। यह सभी जानते हैं कि भाजपा वर्ष पर्यंत चुनावी मोड में रहती है, एक चुनाव का परिणाम आने के साथ ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। चुनाव दर चुनाव इन तैयारियों की शानदार नतीजा परिणाम में भी देखने को मिल रही है। पार्टी के टारगेट पर अब वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव है। वर्ष 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने में यूपी में पार्टी को मिली बंपर सफलता का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। 2024 में भी केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से गुजरेगा। ऐसे में बीजेपी जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में अलग अलग मोर्चों व प्रकोष्ठों तक को हर एक वोटर तक पहुँच बनाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया जा रहा है। रणनीतिक तैयारियों के ही क्रम में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने गुरुवार को गोरखपुर आ रहे हैं। शिविर में सीएम योगी के व्यवहारिक टिप्स अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए काफी कारगर होंगे। कारण, अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर से ही सीएम योगी जनजातीय समाज के हितों को लेकर संवेदनशील रहे हैं। वनवासी और आदिवासी समाज के लिए सांसद के रूप में संघर्ष करने से लेकर मुख्यमंत्री के रूप में उनके उत्थान की योजनाओं के क्रियान्वयन तक वह जनजातीय समाज के लोगों की अपेक्षाएं उनका मर्म समझते हैं। ऐसे में व्यवहारिकता के धरातल पर उनके सुझाव जनजातियों को भाजपा के पक्ष में पूरी तरह लामबंद करने में काफी मददगार होंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दारू के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व 3 मासूम बच्चों पर फावड़े से किया जानलेवा हमला। पत्नी और उसके बड़े बेटे की हालत गंभीर। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके आरोपी को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। गोरक्ष नगरी से संगम नगरी प्रयागराज पहुंचना होगा और आसान। 80 किलोमीटर कम हो जाएगी गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी। घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी का नया विकल्प। 500 गांवों की 20 लाख आबादी को होगा फायदा। ईंधन व समय की होगी बचत। G20
जगह थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गहिरा के एक वायरल हुए वीडियो में पीड़ित पक्ष ने लगाया आरोप कि मामला जगह थाने का होने के बावजूद किसी भोला प्रसाद नामक व्यक्ति को जमीन कब्जा करा रही थी चौरी चौरा पुलिस। एसपी नॉर्थ ने कहा जगह व चौरी चौरा थाने के पुलिस ने की आवश्यक विधिक कार्रवाई, अनियमितता पाए जाने पर सीओ चौरी चौरा से जाँच करा कर की जाएगी उचित कार्यवाही। जनजातियों को संगठन से जोड़ने का मंत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुरुवार को होंगे शामिल। बुढ़िया माई मंदिर स्थित पोखरे पर नाव चलाने वाले नाविक को एसएसबी के जवानों से किराया मांगना पड़ा महंगा। पहले एसएसबी के जवानों ने जमकर पीटा नाविक को। खोराबार थाने में ले जाकर नाविक के खिलाफ दी तहरीर। तहरीर मिलने पर खोराबार के थानेदार ने भी जमकर नाविक की पिटाई। फोटो हुआ वायरल। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा नाविक की पिटाई करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। संगठन को मजबूत करने के लिए सपा चला रही है सदस्यता अभियान। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा 2024 में दिल्ली के सत्ता से बेदखल होगी भाजपा सरकार। और जब पड़ोसी ने मांग लिए बर्तन तो जमीन पर रखकर खाया खाना। विभाजन निवेशिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में 5 दिनी प्रदर्शनी हुई शुरू। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खोराबार थाना क्षेत्र स्थित बुढ़िया माई मंदिर स्थित पोखरे पर नाव चलाने वाले नाविक को थानेदार ने थाने में लाकर जमकर पिटाई की।
ऐसा आरोप नाविक द्वारा लगाया गया है। नाविक का कहना है कि वह नाव पर बैठाकर बुढ़िया माई मंदिर से इस पार से उस पार उतारने के बाद किराया मांगने पर एसएसबी के जवानों ने पहले जमकर पीटा और नाविक को खोराबार थाने में ले जाकर नाविक के खिलाफ तहरीर भी दे दिया। तहरीर मिलने के बाद खोराबार के थानेदार ने भी उसकी जमकर पिटाई की। इस प्रकरण के बारे में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि इस घटना के वायरल होने की जानकारी उन्हें है। नाविक को किसने मारा है इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। गोरखपुर में 10 लाख से अधिक सदस्य बनाने का संगठन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, संगठन को मजबूत करना लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, किसानों को उसके उत्पादों की कीमत नहीं मिल रही है। सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत करने के बाद पार्टी सरकार के खिलाफ इन मुद्दों पर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, लेकिन जनता अब उसकी सच्चाई जान चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता अपना फैसला देकर भाजपा के अहंकार को समाप्त करेगी। समाजवादी पार्टी और उसके नेता कार्यकर्ता किसी भी सरकार और ईडी से नहीं डरते हैं। हमारा कैडर जनता की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर जल्द ही पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी। प्रेस वार्ता के दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, चंद्रबली यादव, नगीना प्रसाद साहनी, जफर अमीन डक्कू, राम भुआल निषाद, विजय बहादुर यादव आदि उपस्थित रहे। भारत के विभाजन का दंश समेटे पाकिस्तान के रावलपिंडी से गोरखपुर आए सरदार बलवीर सिंह ने बुधवार को शहीद इस्फाकउल्लाह खान प्राणी उद्यान में विभाजन की भोगी गई त्रासदी बयां की तो उनके साथ सुनने वालों की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि 1974 में जब उनका परिवार रावलपिंडी से किसी तरह कानपुर पहुंचा तो माँ ने पड़ोसी से बर्तन मांग भोजन पकाया। अभी किसी ने भोजन किया भी नहीं था कि पड़ोसन ने बर्तन मांग लिए। खाना रखने के लिए बर्तन नहीं था, मां ने फर्श पर ही खाना पलट लिया। सभी सदस्यों ने भोजन ग्रहण किया। सरदार बलबीर सिंह बुधवार को शहीद इस्फाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान एवं हेरिटेज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के सदस्य जगनैन सिंह टीटू, प्राणी उद्यान मुख्य पशु चिकित्सक डॉ. योगेश प्रताप सिंह, हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका डॉ. अनीता अग्रवाल के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। प्राणी उद्यान एवं हेरिटेज फाउंडेशन के सदस्यों ने उनका माल्यार्पण कर एवं शॉल प्रदान कर अभिनंदन किया। बॉबिना रोड निवासी सरदार बलवीर सिंह ने बताया कि देश के विभाजन के वक्त वे 8 साल के थे। उनका परिवार रावलपिंडी में रहता था। पाकिस्तान में बलवीर सिंह के खानदान के करीब 250 लोग की हत्या कर दी गई। बचे हुए लोगों को लेकर उनके दादाजी किसी तरह बचाकर हिंदुस्तान ले आए। परिवार देवबंद कानपुर होते हुए गोरखपुर पहुंचा। माँ ने गोरखपुर में पहला ऊषा सिलाई मशीन सिखाने का सेंटर खोला। 200 रुपये वेतन और एक मशीन बिकने पर 20 रुपये कमीशन मिलता था। परिवार के लोगों ने हार नहीं मानी और मेहनत और ईमानदारी से बढ़ते गए। कार्यक्रम में पशु चिकित्सक डॉक्टर रवि यादव, रेंजर राजेश पांडे, प्रशासनिक अधिकारी राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक सत्येंद्र श्रीवास्तव, वन दरोगा रोहित सिंह, जय सिंह, शशिभूषण श्रीवास्तव, संजय सिंह बघेल, हेरिटेज फाउंडेशन के नरेंद्र मिश्रा, अनिल कुमार तिवारी, मनीष चौबे, हेरिटेज वॉरियर्स की संयोजिका मल्लिका मिश्रा, हेरिटेज एवियंस से श्रेयांश समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरदार बलवीर सिंह बताते हैं कि गोरखपुर में उनके परिवार ने बियरिंग, हल और पुल्ली बनाने का काम शुरू किया। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने ट्रैक्टर में लगने वाले बियरिंग खरीदने किसी को भेजा। उन्हें 14 रुपये में दिया तो कीमत जान बड़े महाराज ने मंदिर बुलवा लिया। पूछा कि बियरिंग चोरी का तो नहीं है, बताया कि इसे हम 250 में खरीदते हैं। बलबीर सिंह ने बताया कि 12 रुपये में मिलता है, 1 रुपये मुनाफा और 1 रुपये खर्च जोड़ 14 रुपये में बिक्री करते हैं। इस पर उन्होंने आजमाने के लिए 25 बियरिंग की मांग की। बलबीर ने अगले दिन ही उन्हें उपलब्ध करा दिया। बड़े महाराज काफ़ी खुश हुए, बोले ऐसे ही ईमानदारी से काम करो। बाद में एक वक्त आया जब जमीन खरीदने के लिए 10,000 रुपये चाहिए थे। अपने अभिभावक बड़े महाराज के पास गए, उन्होंने 10,000 रुपये दिए। रकम के
बदले मंदिर के सभी घंटों की मरम्मत का काम दे दिया। सरदार बलबीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार को बंटवारे का दंश झेलने वाले परिवारों को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह जरूरी सुविधाएं और सम्मान देना चाहिए। हम भी भारतीय थे, लेकिन शरणार्थी के रूप में आज भी बुलाया जाना पीड़ा देता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि केंद्र की मोदी की अगुवाई वाली सरकार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित कर रही है। नई पीढ़ी जान सकेगी कि देश के बंटवारे में हमने क्या क्या सहा था। डॉक्टर अनीता अग्रवाल एवं जगनैन सिंह नीटू ने कहा कि गोरक्षपीठ ने पाकिस्तान से विभाजन के दौरान आए लोगों को गोरखपुर में संरक्षण दिया। मोहद्दीपुर एवं गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए अस्थायी रूप से अहम भूमिका निभाई। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हर समय अभिभावक जैसा ख्याल रखते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दारू के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व तीन मासूम बच्चों पर फावड़े से किया जानलेवा हमला। पत्नी और उसके बड़े बेटे की हालत गंभीर। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके आरोपी को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। गोरक्ष नगरी से संगम नगरी प्रयागराज पहुंचना होगा और आसान। 80 किलोमीटर कम हो जाएगी गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी। घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी का नया विकल्प। 500 गांवों की 20 लाख आबादी को होगा फायदा। ईंधन व समय की होगी बचत। जगह थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गहिरा के एक वायरल हुए वीडियो में पीड़ित पक्ष ने लगाया आरोप कि मामला जगह थाने का होने के बावजूद किसी भोला प्रसाद नामक व्यक्ति को जमीन कब्जा करा रही थी चौरी चौरा पुलिस। एसपी नॉर्थ ने कहा जगह व चौरी चौरा थाने के पुलिस ने की आवश्यक विधिक कार्यवाही। अनियमितता पाए जाने पर सीओ चौरी चौरा से जाँच करा कर की जाएगी उचित कार्यवाही। जनजातियों को संगठन से जोड़ने का मंत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुरुवार को होंगे शामिल। बुढ़िया माई मंदिर स्थित पोखरे पर नाव चलाने वाले नाविक को एसएसबी के जवानों से किराया मांगना पड़ा महंगा। पहले एसएसबी के जवानों ने जमकर पीटा नाविक को। खोराबार थाने में ले जाकर नाविक के खिलाफ दी तहरीर। तहरीर मिलने पर खोराबार के थानेदार ने भी जमकर नाविक की पिटाई। फोटो हुआ वायरल। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा नाविक की पिटाई करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। संगठन को मजबूत करने के लिए सपा चला रही है सदस्यता अभियान। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा 2024 में दिल्ली के सत्ता से बेदखल होगी भाजपा सरकार। और जब पड़ोसी ने मांग लिए बर्तन तो जमीन पर रखकर खाया खाना। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में 5 दिनी प्रदर्शनी हुई शुरू। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।